हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी बेटी की फेवरेट डिश वेज स्पेगेटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने कैरेट, कैबेज व कैप्सिकम को फाइनली चॉप कर लिया और अनियन व टमाटो का पेस्ट बना लिया। मैंने 500 ग्राम का स्पेगेटी का पैकेट लिया है। देखिए, अब सबसे पहले हम एक पैन में पानी बॉईल करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक व ऑयल ऐड करेंगे, उसे बॉईल करेंगे और उसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब जब तक हमारी ये वेजिटेबल्स बॉईल होती हैं, तब तक हम दूसरे पैन में ऑयल ऐड करेंगे और इसमें अनियन पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। नमक से ये ओनियन पेस्ट जल्दी भुन जाता है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। जब तक ये हमारा तैयार होगा, हमारी वेजिटेबल्स छान कर हम रख लेते हैं। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें टमाटो का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। अब हम दूसरे पॉट में पानी बॉईल करने रखेंगे और उसमें ऑयल व थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार से। और इसमें स्पेगेटी बॉईल करने डालेंगे। मैंने पूरा पैकेट नहीं लिया है, आधा ही लिया है। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे। अब हम इन्हें निकाल कर छान लेंगे। इनका सारा पानी हम निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार से। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पम्मा थ्रेडिंग एंड कुकबुक। देखिए हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। देखिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पास्ता मसाला ऐड करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब हम इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने से ये डिश थोड़ी हेल्दी हो जाती है। देखिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे इस प्रकार से और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी स्पेगेटी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारी स्पेगेटी। आप इसे स्प्राइट के कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करें। मेरी बेटी को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है।